शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। केसरिया वालों आओ हमारे देश, केसरिया वालों आओ हमारे देश। मन का आंगन सुना सुना देश भयो पर दे, केसरिया वालों आओ हमारे देश, केसरिया वालों आओ हमारे देश। आप इससे हट जाओ, आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं, इसी ने मदन सिंह को मारा था। कानून को हाथ में लेने से क्या होगा, मैं बात कर। नहीं रुकिए आप लोग, मैं बात कर। आप जाइए यहाँ से। देखिए आप क्यों मामले को खराब करने में तुले हुए, रुके आप लोग। वर्षा, अगर आपने मदन सिंह की मदद ना की होती ना, तो दीप सिंह के साथ आपको भी नहीं छोड़ा होता। कौन है ये आपका जो आपने उसे बचा कर भगा दिया? कुंवर साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया। चले रे साहब, बाद में देख लेंगे। क्या हुआ छोरी, गुस्से में काहे दिल मिला रही है? छोरे ने खान तो दे। चल घिसू। रुक्मी, रुक्मी, इस तरह वो बिना बताए कहाँ चली गई? शायद इतने लोगों को देखकर डर गई हो, कहीं कोई देख ना। ये सब भी अभी होना था, इतना अच्छा मौका था अपने दिल की बात कहने का। पर मैं भी हार नहीं मानूंगा, कोई ना कोई बहाना करके रुक्मी के घर जाना हूं। बताऊं भाई साहब, आज बहुत अच्छा मौका था, पास तो मैं बदला ले ही लेता। पण वो कुंवर साहब, वो क्या नाम है उनका? वो रणवीर। हाँ, रणवीर सिंह। वो थारे रणवीर सिंह ने बीच में आकर दीप सिंह को बचा लियो, वरना आज थारे जमीन का हिसाब हो ही जाता। रणवीर ने दीप सिंह को बचा लिया? ये क्या कह रहा है किशोर? अरे मने थारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा भाई साहब, बजरंग से पूछ लो, लाखन खड़ा था वहाँ। और जय देखो कुंवर साहब, अब क्या लेने आया हो यहाँ? आप मुझसे नाराज? नाराजी तो अपनों से होती है। दीप सिंह की जान बचाकर आज आपने साबित कर दिया कि आप मेरे अपने नहीं हो। ये सोच करके आपने दीप सिंह की मदद की? अरे आप तो सारा सच जानते हो, मारे से मारी जमीन छीनने के लिए हवेली वालों ने कितना अन्याय कर रखा है।
अरे मैंने इस लायक भी नहीं छोड़ा कि मैं अपने परिवार को दो वक्त की रोटी दे सकूं। जे मैं अपनी जमीन पर खेती कर पाता तो मारी छोरियां कमा के लाने की जगह घर में बैठ के खाती। मारे मन पे ही नहीं, मारे शरीर पे घाव दिया है। अब टिके जाओ, दीप सिंह मारी जान ले ले वे, मारा खेत छीन ले वे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपके साथ अब तक जो अन्याय हुआ है वो अपना और आपको आपकी जमीन जल्द से जल्द मिल जाए, और इसीलिए मैंने दीप सिंह की जान भी बचाई है। आप ही सोचिए, अगर आप लोग दीप सिंह पे हमला करवा देते और उसका खून निकल जाता तो ठाकुर भंवर सिंह आपको छोड़ देते? आपकी जो आखिरी उम्मीद है ना ये जमीन पाने की, वो भी चली जाती, और फिर जो बात बातचीत से हल हो सकती है उसके लिए खून खराबा करने की क्या जरूरत है? देखिए, मैं आपको सबान देता हूं, मैं खुद हवेली में जाके आपके लिए आपकी जमीन की बात करूंगा। अगर वो जमीन आपकी है तो वो आप ही को मिलेगी, ये वादा है मेरा आपसे। बापू तो ऐसे नाराज है, पर आप चिंता ना करो, मैं आपसे गुस्सा को नहीं, आप माय दोस्त हो ना। अच्छा, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मेरा एक काम करो। हाँ, चलो। बापू से इतनी सारी बातें की, पर कुंवर साह ने एक बार भी ये ना कहा कि दीप सिंह इनके भाई है। कितना धोखा दे रहे हैं बापू को और मन्ने भी। जीजी, जीजी, अभी खाना बना को नहीं, भूख लगी हो तो मटके से पानी लेकर पी लो। अरे ये थारे वास्ते के है, लो ना। जितनी जल्दी हो सके तालाब के किनारे आकर मिलो। रणवीर, इतनी हिम्मत, एक तो धोखा दियो, ऊपर से मिलने बुला रही। कुंवर साहब हुए तो क्या हुआ, मैं नहीं जाऊंगी। जी जी, ये बड़बड़ा रही हो, जेब क्या जलाया तने? इतनी देर हो गई, रुक्मी अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसे मेरा संदेश ही ना दिया? जी जी, मने तो कुंवर साहब धोखे बाद ना लागे, पर जो थारो मन दुखी और तने लागे कि उन्होंने गलती की है तो मिलकर बात कर लियो। अरे कम से कम वजह तो जान लियो, जो उन्होंने किया वो क्यों किया। अब ऐसे घर पर बैठकर रो रोकर अपनी आंखें क्यों फोड़ रही हो? गलती उन्होंने की और सजा आप अपने आप को दे रही हो, क्या समझदारी है ये? जी जी, कुंवर साहब ने जो किया वो क्यों किया ये जानने का पूरा अधिकार है तने, और उनसे मिले बिना आप ये बात कभी ना जान पाओगे। और इस वक्त घर से के क्या निकलूं? अरे ध्यान कटे है छोरी, फिर से मिट्टी खत्म हो गई के? अरे सुबह ही तो लाई थी।
न आया कि इतनी मूर्तियां बनानी है, कितनी मिट्टी लागे है। जा पर घीसू को साथ ले जा। माँ वो घीसू नमू और सीतू के साथ गुलेल खेलने गए हुए। आण दे घीसू को, जब देखो तब गुलेल। रेड़ दो ना माँ, जीजी के साथ मैं चली जाऊं। ठीक से, पर देर ना करना। जी आप जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। रुक्मी, थैंक गॉड, इतनी देर कैसे हो? मरने आपकी तरह अपनों से झूठ बोलकर धोखा देने की आदत ना है। क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों? ये आप अपने आप से पूछो। आपने मारे साथ साथ मारे बापू को भी धोखा दिया है। दीप सिंह आपको ही भाई है ना? दीप भाई सा? रुको! रुक्मी, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। सच तो छुपाए हुए, शब्दों को घुमाने से उनका मतलब ना बदल जावे है कुंवर सा। आपने मारे बापू को आस बंधाई कि आपकी मदद से हमें हमारी जमीन वापस मिल जाएगी, पर बापू की मदद करने का आपका कोई इरादा ना था। आपने तो बस मंडले फसाना था, पर मैं बाबली आपकी बातों पर भरोसा कर बैठी। नहीं रुक्मी, ऐसा मत कहो। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये गलती मैंने जान बूझ के की है। रुक्मी, मेरा सिर्फ एक ही सपना है, तुम, और तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे बापू को जमीन दिलवानी जरूरी है। ये बात की मुझे खबर थी। तुम मुझे खुद बताओ, अगर मैंने तुम्हें बताया होता कि दीप सिंह मेरे बड़े भाई हैं, तो मुझसे मदद लेना तो दूर, तुम मुझसे बात भी नहीं करती। ये बात सच है या नहीं? तुम्हें मेरे बात पर विश्वास? इंसान को प्रेम तो आसानी से मिल जावे है कुंवर सा, पर विश्वास, एक बार विश्वास टूट जावे ना तो फिर दोबारा जुड़ना बड़ा कठिन हो। इसे आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया है, आपका प्यार भी झूठा है। इधर देखो, इधर देखो, देखो मैं इधर, तुम्हें मेरा प्यार धोखा लगता है? इधर देखो रुक्मी, मेरी आंखों में देखो, झूठी हैं आंखें। रुक्मी, मैंने जो भी कुछ किया सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया, तुम्हारा प्यार पाने के लिए किया, बस यही सच है। मेरा प्यार सच्चा है, इस पे कभी शक मत करना। मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं। मरने ऐसे सपने ना दिखाओ कुंवर सा, जो कभी पूरे ना हो सके। मारा बापू इस रिश्ते के लिए कभी राजी ना होगा। तुम्हारे बापू को उनकी जमीन जरूर मिल जाएगी, मैं खुद दया सा से बात करूंगा। मेरा विश्वास करो रुक्मी, तुम्हारा ये जो सपना है वो मेरा भी सपना है, और हमारा ये सपना जरूर पूरा होगा। ये वादा है मेरा तुमसे।
कुंवर साहब तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पर हवेली के लोग माने नहीं तो? नाना, ऐसी अशुभ बातें क्यों आ रही हैं दिमाग में? राम जी की कृपा भई तो सब ठीक हो जाएगा। ठाकुर साहब को कुंवर साहब की बात में सच्चाई जरूर नजर आएगी। बस ठाकुर साहब एक बार मान जाए और बापू को अपनी अपनी जमीन मिल जाए, बस। मैंने रुक्मी और उसके बापू से वादा तो कर दिया है, लेकिन ताया साहब को मनाना आसान नहीं है। अगर कहीं से मुझे ये पता चल जाए कि उस जमीन की असलियत क्या है, तो ताया साहब को मेरी बात माननी होगी। और फिर सुमेर मामा साहब ने कोई दाव पेश करने की कोशिश भी की तो वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। ताया साहब से बात करनी होगी। ठाकुर साहब, जब इतने साल बीत जाने के बाद फैसले का टाइम आया है, तब उससे हाथ छुड़ाने का के फायदा? अभी तो मदन सिंह की हालत ऐसी है कि हम उसे आसानी से जमीन का हक छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। हर बार ये जरूरी ना है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर अपने ठाकुर होने की पहचान दे दी जाए। हमारा फैसला अटल है। मैंने मदन सिंह के खिलाफ ये मामला रफा दफा करना है। जमीन के सारे कागजात तैयार करवा लो और मारे से दस्तखत करवा लो। जी हुकुम। तोलते ताया साहब। जी चलो बेटा। ताया साहब, मदन सिंह को वो जमीन वापस करने का आपका ये फैसला बिल्कुल ठीक है। अब गांव वालों को भी ठाकुरों के न्याय पर फिर से विश्वास हो जाएगा। हेलो। हेलो कुंवर साहब। हाँ, वो घीसू और उसकी जीजू जो यहाँ मूर्तियां बेचते हैं, वो आए हैं आज? नहीं हुकुम, पर आने को हैं। कोई काम है के? वो मूर्तियों का एक बड़ा ऑर्डर देना था उन्हें, इसलिए उनसे कोई जरूरी बात करनी। हुकुम, जैसे ही दोनों आए मैं आपसे बात करवा दूंगा। एक मिनट हुकुम, आ गए दोनों। फोन है कुंवर सारो। घीसू टोकरी पकड़। जी रुक्मी, ताया साहब मान गए। आज सुबह ही अपने वकील से तुम्हारे बापू की जमीन का केस वापस लेने के लिए कह रहे थे। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात सुनाई आपने। हाँ रुक्मी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, इतना मुश्किल काम इतनी आसानी से हो गया। लगता है शिवजी महाराज ने हमारे धागे की लाज रखी। हेलो, तुम कुछ कहोगे नहीं? जी मैं क्या कहूँ? अच्छा, नत्थू सुन रहा है? जी। अच्छा एक काम करो, उसके सामने जोर से बोलो कि तुम कल 50 मूर्तियां बना कर लाओगे। जी हुकुम, मैं थारे वास्ते 50 मूर्तियां ले आऊंगी। रुक्मी, आज शाम को मैं ताया साहब से हमारे बारे में बात करूंगा और फिर तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। जी। रणवीर, कहाँ जा रहे हो? ताया साहब, मदन सिंह की बेटी से मिलन वास्ते जा रहे हो?